हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में हैं और आप हमारे साइड पीछे साइड देख सकते हो कुछ टेंट तंबू का काम हो रहा है। ये सारा काम हो रहा है दोस्तों दीक्षांत समारोह के लिए। मैं जस्ट अभी दिखाता हूँ और भी बहुत सारा कुछ। तो हमारे माननीय राज्यपाल, जो झारखंड के जो राज्यपाल हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे दीक्षांत समारोह में और उन्हीं के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो उसी के लिए ये सारा प्रोग्राम, मतलब टेंट तंबू बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और आप जान सकते हो कितनी गर्मी है, तो इस गर्मी में यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो अभी मैं जो दिखाता हूँ वो कौन सा स्टेज है, कहाँ पर रहेगा, सारा कुछ दिखा रहा हूँ। यही वो स्टेज है दोस्तों जो बनाया जा रहा है। जस्ट आप जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट घुसते हैं, गेट घुसने के जस्ट साइड में ही है ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो 13 तारीख को है, आप सभी लोग आइएगा ज़रूर। और काम अभी चल रहा है, अभी टाइम है 2-3 दिन, जितना भी टाइम है बढ़िया से काम हो रहा है। देख सकते हो सभी वर्कर लगे हुए हैं ढंग से और काम चल रहा है, ठीक है। तो और इसमें हम धीरे धीरे बताते हैं और क्या प्रोसेस है, किन लोगों को मिलता है सारा चीज़ें। आप देख सकते हो ये गेट रहा और ये गेट के जस्ट ये कैंटीन है, सामने कैंटीन है। इस कैंटीन के पास ही ये वाला प्रोग्राम हो रहा है, ये सारा कुछ बन रहा है। तो हमारे जो राज्यपाल आ रहे हैं रमेश बेस, तो उनके लिए काफ़ी भव्य स्वागत किया गया है और A to Z चीज़ हम आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, अभी कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है और होना बाकी है। क्या कुछ प्रोसेस है दोस्तों, किन लोगों को मिलेगा वो सर्टिफिकेट जो राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी DC ऑफिस घुसते हैं और पता करते हैं सारा चीज़, ठीक है, क्या कुछ प्रोसेस है। तो ताकि आप लोगों का भी अगर नाम आएगा तो फिर आप लोग रेडी होकर के आ सकते हैं। क्या कुछ ड्रेस कोड है, सारा कुछ A to Z, चलिए। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, यहाँ से परीक्षा विभाग भेज दिया गया है। तो परीक्षा विभाग में हम लोग चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। बस इतना सा सिर्फ सूचना मिला है कि जो भी सर्टिफिकेट या जो भी प्राइज मिलेगा वो टॉपर्स को मिलेगा, और किन से किन बैच वाले को मिल रहा है वो पता नहीं है, वो परीक्षा विभाग से पता चलेगा। तो हम लोग चलते हैं परीक्षा विभाग। परीक्षा विभाग कहाँ है तो वो देखते हैं, वहाँ बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों परीक्षा विभाग। इस बिल्डिंग से हम लोगों की पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसमें पता नहीं था कि ये था क्या चीज़। बट अब ये परीक्षा विभाग के नाम से जाना जा रहा है ये बिल्डिंग। तो चलिए इसी के अंदर हम लोग चलते हैं और पता करते हैं क्या कुछ प्रोसेस है प्राइस को लेकर के, क्या कुछ ड्रेस कोड रखा गया है ना, A to Z चीज़ हम लोग पता करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों जिनका पास आउट 17, 18, 19, 20 और 21 तक के हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ पे जो उनके टॉपर्स हैं उन सबों को प्राइस दिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। तो और रही बात ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि ऊपर भी वाइट, नीचे भी वाइट, पूरा वाइट रहना चाहिए, यही ड्रेस कोड रखा गया है। और जो भी चीज़ है हम अपने SKMM की जो वेबसाइट है उसमें हम अपलोड मतलब देख करके नहीं। तो अभी अब हम लोग को क्लासरूम चलना है दोस्तों। 11:32 हो चुका है और हमारा क्लास 11 बजे से ही लगता है। ये सारा कुछ पता करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा आज का क्लास हम लोगों का लेट हो जाएगा। तो और भी जो भी चीज़ पता चलता है धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी का जो भी वेबसाइट है हम वो भी अपने डिस्क्रिप्टिव में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ अगले वीडियो में, कुछ ना कुछ ज़रूर से इंफॉर्मेशन उसमें भी रहेगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में फिर, ठीक है।